जय भीम, फिर से आप सबका स्वागत है। हम आज महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय ये है कि भाई जब इस देश की आबादी 100 करोड़ थी, तब इस देश में 80 लाख लोग जिन्होंने जनगणना में अपनी धर्म करके बौद्ध धर्म की उसमें ये किया था, नोम की थी, लेकिन जब इस देश की पूरी आबादी 125 करोड़ हुई तब सिर्फ 84 लाख बौद्धों ने हम बौद्ध है करके खुद की जनगणना में बौद्ध धर्म लिखा है। तो ये जो है इसमें जो डिक्लाइन हो रहा है, ये हमारी आज के चर्चा का विषय है। और हम ऐसे देखते हैं कि जैसे प्रथम सत्र में भदंत सदानंद महास्तवीर हमारे साथ में थे तथा विमल कीर्ति गुणश्री थे, लेकिन अभी हमारे इसमें स्टूडियो में भदंत ज्ञान ज्योति भी आए हैं, तो हम उनसे तो प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मैं पहले सत्र का प्रश्न जो भंते जी से पूछने वाला हूँ, भदंत सदानंद महास्तवीर जी से, जो सद्धम्मादित्य है, जिन्हें उपाधि मिली है सद्धम्मादित्य की, और जो 1956 के बाद में जो कुछ लोग, जो जवान लोग भिक्षु बने और पूरा जीवन धम्म के लिए समर्पित किया, ऐसे जो शुरू के लोग थे उनमें से एक आज जीवित भदंत सदानंद महास्तवीर है, जो संघानुशासक भी है अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के। लेकिन भंते जी ने ये प्रश्न पूछा था, ये सवाल भी दिया था प्रश्न के साथ साथ कि भाई जैसे श्रीलंका में ऐसी स्थिति आई थी तो वहाँ के लोगों ने कुछ जवान लोगों को भिक्षु बना के आगे बढ़ाया था। लेकिन यही प्रश्न मैं भंते जी से पूछने वाला हूँ कि भाई आप संघानुशासक है, आप इस आपका एक अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ है, तो आप भी ऐसा क्यों कर नहीं पाए कि ऐसे 20 जवान भिक्षु, क्योंकि स्थिति तो ऐसी आई है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पाए? देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया, नौजवान तरुण लोगों को भिक्षु बनाने का प्रयास भी किया, लेकिन हमारा उपासक वर्ग उनको हजम नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप निराश होकर उनको वस्त्र छोड़ना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। आज भी नौजवान ऐसा कुछ श्रमण या भिक्षु है, उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं होती। आज का चालू जमाना देखते हुए घर में जब रहता है तो उनको मोबाइल मिलता है, घर में टीवी मिलती है, खाने के लिए सब कुछ अच्छा मिलता है। ये व्यवस्था भिक्षु बनने के बाद नहीं हो सकी, लेकिन उनकी व्यवस्था करना तो उपासक लोगों का कार्य है। अरे कम से कम ये टीवी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उनको ठीक से खाने का तो दो, समय पर खाने का तो दो, लेकिन वो खाने का भी नहीं। इससे विपरीत उनको दोषारोपण किया जाता है, भिक्षु वैसा नहीं, भिक्षु वैसा नहीं, भिक्षु वैसा नहीं। तो इससे कुछ नौजवान जो इस तरह से है, एक भिक्षु अभी बहुत अच्छा नौजवान, तीन चार लड़के श्रीलंका में गए थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ के आ गए, बहुत अच्छी तरह से बनकर आ गए वहां पर, और उन्होंने यहाँ आने के बाद बौद्ध धर्म पर अच्छा साहित्य निर्माण करने का उन्होंने सोचा और कुछ साहित्य भी निर्माण किया उन्होंने। लेकिन बाद में क्या हो गया कि जो यहाँ आने के बाद जहां पर वो रहते थे वहां के पास पड़ोस के लोगों ने या अन्य लोगों ने उनकी रहने की ठीक से व्यवस्था नहीं की, बल्कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे दोषारोपण करके वहां से निकालने का प्रयास किया। एक जगह पर मैंने देखा है, एक जगह किसी ने दान दिया था तो आपास के लोगों ने ही उस जमीन को, और वहां पर एक अच्छा माने प्रेस हो, अपना प्रेस हो, किताबें छपाई जाएगी, अच्छा माने प्रचार का ये केंद्र वहां पर विकसित करेंगे, इस उद्देश्य से उन्होंने किया था। लेकिन पास पड़ोस के लोगों ने उनके ऊपर हल्ला किया, उनके ऊपर रात के समय शस्त्र के साथ उनके ऊपर धावा किया। यह उदाहरण आज हमारे समाज में हो रहा है। तो भिक्षु कैसा टिकेगा और कैसा बनेगा, ये तो लोगों का मन में होना चाहिए कि मेरा लड़का इस तरह से बनेगा, मैं इसको माने तैयार करूंगा। आप लड़के को तो तैयार करते नहीं, लेकिन जो बने हैं उनको भी आप भगाने का प्रयास कर रहे, तो कैसा ही होगा।
मेरी एक योजना थी, जब मैं भिक्षु बना हुआ था तो उस समय मेरा एक था कि जितने भी लोग माने दीक्षित हुए होंगे कम से कम एक एक रुपया उनसे लिया जाए, साल का एक एक रुपया लेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय बोला था कि 7 करोड़ समाज है हमारा, उस समय 7 करोड़ था, 7 करोड़ में से एससी के जो लोग हैं उसमें से आधे लोग चले गए, 3/4 भी यदि चले गए तो कम से कम हम सब भी मानते कम से कम 1 करोड़ तो बौद्ध होना चाहिए था। 1 करोड़ लोगों को, लोग यदि बौद्ध बनते और एक एक रुपया लेते तो 1 करोड़ हो जाता। 1 करोड़ में हम क्या, 1 करोड़ रकम माने कुछ कम नहीं होती। 1 करोड़ के भरोसे पर हम चाहे वैसी संस्थाओं खड़ी करके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वैसा खड़ी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर सके। कम से कम उसमें से 10 लड़के निकाल चुनकर, उस समय परिस्थिति भी वैसी थी, 10 लड़के चुनकर जो बौद्ध देश है वहां पर भेजते, 5 साल 10 साल उनको वहां पर पढ़ाते। एक मुझे याद है शासन रश्मि नाम के हमारे भंडारा जिले के पौनी के रहने वाले एक भिक्षु बने हुए थे, वो श्रमण बने। श्रमण बनने का विचार नहीं था, केवल बौद्ध धर्म का अभ्यास करना यही उनका उद्देश्य था। लेकिन 1950 में जब जागतिक परिषद हो गई, बौद्ध धर्म परिषद हो गई श्रीलंका में, जिनके पास अध्ययन करते थे उनके गुरु ने कहा था कि तुम सादे वस्त्र में नहीं बल्कि इस काशाय वस्त्र में श्रीलंका में जाओ। वो श्रीलंका में गए परिषद होने और वहां पर शरीफ हो गए। परिषद समाप्त होने के बाद वहां के जो बौद्ध स्थल थे वो देखने का कार्यक्रम बना, ये भी देखने के लिए चले गए। तो एक स्तूप को देख रहे थे, उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर भी जो उस परिषद में थे उस स्तूप को देखते देखते इनके पास आ गए। उनसे पूछा कि ये क्या है, उन्होंने बोला, बाबा साहब आम्बेडकर का भाषण सुनकर वो बड़े प्रभावित हो गए थे। तो उन्होंने बोला, बाबा मैं तो नया हूँ इस देश में आया हुआ, मुझे ये पता नहीं कि ये क्या क्या है, मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा। तो बोले कहाँ से आए, बोले भारत से। भारत से कहाँ से, तो फिर उन्होंने बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं वहां जाने के बाद मैं अपने वस्त्र छोड़ूंगा, बोले। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला, अब ये बात कभी फिर से नहीं बताना, कहना आप ये वस्त्र नहीं छोड़ेंगे, भिक्षु के ही रूप में ही रहेंगे और भारत में जाने के बजाय यहीं पर रहकर अच्छा 5 साल 10 साल यहाँ रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन करो, आपके जैसे सुशिक्षित और बौद्ध धर्म में अच्छे प्रवीण हुए लोगों की जरूरत भारत में आगे होगी, क्योंकि भारत का भी करोड़ों समाज बौद्ध होने वाला है, उनको सिखाने के लिए इस तरह से सीखे पड़े लोगों की आवश्यकता होगी। बाबा साहब आम्बेडकर को यह लग रहा था, लेकिन ये समाज ने बाबा साहब आम्बेडकर के बाद इस चिंता को कभी मने अपना बंते जी बराबर है, क्योंकि ये तो नहीं खत्म होने वाला विवाद है। ये उपासक जो है उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ठीक से नहीं निर्वाह की। उपासक बोलते हैं कि वे भिक्षुओं की जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो हमारे धार्मिक नेता है, उनके ऊपर वो हमें दिशा निर्देश दे, वो हमें यदि गलत है तो वो हमें संस्कारित करे, तो वो कुछ कम रहे ऐसा आपका कहना है, लेकिन इससे हल निकलने वाला नहीं। कोई भी आदमी इस जिम्मेदारी से दूर नहीं जा सकता जिसको बौद्ध कह रहा, क्योंकि जो बौद्ध बना है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी है, उस हर एक का एक कर्तव्य है कि वो इस दिशा में गहनता से गंभीरता से विचार करे और उसके ऊपर कार्य करे, ना कि दूसरे को दोष दे, ना कि अन्य को दोष दे। अभी हमारे चर्चा के बीच में भदंत ज्ञान ज्योति जी आए हैं। भदंत जी प्रणामी सुखी। ये चर्चा है, जब इसे ये चर्चा चल रही है कि आने वाले धम्म दीक्षा दिन को पूरे भारत से लोग यहाँ पे आएंगे। वैसे तो सारी अनुसूचित जातियाँ, सारी MBC OBC जातियाँ, सारे माइनॉरिटी के लोग भगवान बुद्ध के धम्म के प्रति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के प्रति आकृष्ट हो गए। लेकिन वस्तु स्थिति में क्या है, जब हम देखते हैं कि भारत की आबादी जब 100 करोड़ थी तब सिर्फ 80 लाख लोगों ने खुद का धर्म बौद्ध धर्म लिखा था,
जनगणना। अब जब भारत की आबादी 125 करोड़ है तब सिर्फ 84 लाख लोगों ने खुद को बौद्ध धर्मीय बताया, ऐसी तो ये जो कमियां आई है, ये जो डिक्लाइन दिख रहा है, एक डिक्लाइन दिख रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जिन पर यह जिम्मेदारियां थी ये तो कबूल करना चाहिए कि हमने वह जिम्मेदारी को निभाना, निभाने की कोशिश में लगे हुए लेकिन उन जवाबदारी को निभा नहीं पाए, ये तो सच्चाई को, इस सच्चाई का तो स्वीकार करना है, चाहे वो गृही हो या गृह त्यागी हो, भिक्षु संघ हो, उपासक संघ हो, खुद भी इस बात को, हाँ, क्योंकि हम लोग इसमें यह सारा जनमत संग्रह जुटाने में हम कामयाब नहीं हुए, ताकि लोग भी कह रहे अरे ये तो महार जाती लेकिन न जाने हमें सहूलियत अगर नहीं मिलती, इसी मायने से लोगों ने लिखा है बहुत सारे, वो धर्म तो बौद्ध लिखा है लेकिन जात महार लिखी, उसमें जो लिखने वाले भी जो अफसर थे उन्होंने जानबूझकर बड़े बड़े वो पुराने वो जानबूझकर महार और हिंदू ऐसे करके लिखा है, तो इससे ये भला ये सरकार की डायरी में दफ्तर में भला संख्या कम दिखाई दे रही, लेकिन बाबा साहब को मानने वाला जो तबका बहुत है, जो एक कागजात में नहीं है संख्या लेकिन इसे निराश क्यों होंगे, भला ये जार तो बहुत जोरों से आने वाला है, क्योंकि द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला जिन्होंने निर्माण की है बाबा साहब ने, हम निराशा में नहीं रहेंगे और भी जम करके, क्योंकि एक तो गृही और गृहत्यागी, अब भिक्षुओं का तो काम सद्धर्म, ये 37 अंगों वाला 37 पक्ष सैद्धांतिक एवं जो व्यावहारिक पक्ष को ऐसे मजबूत रूप से जैसे धम्म का प्रचार एवं शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार करने में भी हम कामयाब नहीं हुए, इसलिए धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार नहीं हो सका, ये भी बात है, जिससे हम लोग ये जुटा नहीं पाए सबको, जनमत जुटा नहीं पाए कि सब बौद्ध लिखो करके, ये भी हमारी खामियाजी, साथ साथ गृहियों की, गृह तो वो तो ऊँचे ऊँचे ऐसे कोठी के भाषण तो देने लगे लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति में बड़े बड़े अफसरों ने भी वही महार लिखा, हमने देखा है कि भाई ये क्या हुआ, तो इसी तरह बहुत डर के मारे कुछ लोगों ने लिखा, तो इससे जैसे जैसे ये आत्माभिमान स्वाभिमान का यह दफ्तर बढ़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने सम्राट बृहद्रथ से नाता जोड़ा था, जैसे सम्राट बृहद्रथ के समय में कि उनके पास में जनता के पास में कोई संगठन नहीं थे, तो इसीलिए वह पराजित हो गया और धर्म की संस्कृति का सत्यानाश हुआ, तो इसीलिए बाबा साहब ने ये नए सिरे से द्वितीय बुद्ध शासन के आधारशिला को रचा, तो भिक्षु संघ पर, उपासक उपासिका संघ पर ये तो जिम्मेदारी आई है, सभी पर सारा विश्व, सारा भारत धम्म में करने की, सारा भारत धम्म में करने की, तो हम इन चीज़ों को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे अनुभव करेंगे, तो भले बाबा साहब ने समता सैनिक दल, यहाँ तक कि अखिल भारतीय बौद्ध महासभा और श्रीलंका फेडरेशन विसर्जित करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण करना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, तो एक साथ एक व्यक्ति गृहियों के लिए, एक साथ एक व्यक्ति तीनों संगठनों का मेंबर रहेगा, ये उनका नियोजन था, ऐसा कर नहीं सके गृह, तो बहुत धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार एवं प्रसार करना है, करने वाली संगठनाएं वही कमजोर रही, अब जो बेसिक जो घटना के आधार पर कोई संगठन चला नहीं पाए, इसलिए वो सारे संगठन जैसे कि बाबा साहब के आंदोलन को बाबा साहब के जनता ने ही सब मरवाया, बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब के आंदोलन को ख़त्म किया, ऐसा लग रहा है, अब ये जानबूझकर कोई किसी संगठन में कोई काम करता है, अब ये निराशा तो आती है, रिपब्लिकन पार्टी के टुकड़े हो, अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के अभी भी वो झंझट चल रही है, या कहीं समता सैनिक दल के हो, लेकिन बाबा साहब के तीनों संगठनाओं को बल मजबूत करना, बलवान करना, यह काम गृही लोगों से नहीं हो सका, ये तो गंभीर रूप से ये तो कबूली करनी देनी होगी, इतने सालों से जो, क्योंकि इतने साल गुजर गए, अभी 60 के करीब अभी आ रहे हैं, इतने धर्मांतर के आयु को इतने साल बीत गए, बंते जी क्या आप निराशावादी हो? निराशावादी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका आशावाद क्या बोलता है? आशावाद तो ये और भी जोरों के एक साथ और भी गहराई से अपने स्वयं के मूल्यांकन करके, अपने स्वयं के कथन को स्वीकार करते हुए, हमारी गलतियों को, हमारी खामियों को दूर करते हुए, एक व्यक्ति कोई अम्बेडकर वादी हो, बाबा साहब वादी हो,
एक व्यक्ति और भी नए सिरे से तीनों संगठनों का एक साथ तीनों संगठनों का मेंबर करके अभी नए सिरे से आगे बढ़ेगा, गृही अपने लोग बड़े नए सिरे से काम करने लग जाएंगे जी। लेकिन जो आपने उपाय बताया ये तो ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये जो है, क्योंकि आपने बोली ये तो कोई सादी बात नहीं है, गंभीर बात है, लेकिन जो खत्म हो चुका है, जिसको बार बार रिपीट किया, वो घिस पिट गया, पूरा खत्म हो गया। जिस प्रकार से संगठन की जब हम बात करते हैं तो संगठन जिस प्रकार से एबॉलिश हो रहा है, लेकिन एक नया प्रयास सारे इसमें सारे बौद्धों के 56 के बाद एक अच्छा और नया प्रयास भंते जी ने किया है इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक सिस्टम होता है, संगठन टूटते बिगड़ते जाते हैं, निसर्ग का नियम है, कभी व्यक्ति व्यक्ति में वाद विवाद हो सकता है, संगठन कायम स्वरूपी नहीं रह सकते, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी व्यवस्था, इंस्टीट्यूशन बोलने से ऐसी व्यवस्था कि जहाँ पे लड़के पढ़े बढ़े आगे बढ़े, वो ग्रेजुएट हो जाए और वो धम्म के साथ पढ़े। भंते जी विमल गति गुणश्री भंते जी ने ये प्रयास किया, एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पहले तो आप भंते जी इस व्यवस्था के पीछे आपकी क्या भूमिका है ये जरा बताएं। बाबा साहब के बुद्ध धर्म स्वीकार के जो अंतिम उद्देश्य थे उसके बारे में हमको पहले सचेत होना चाहिए। निश्चय ही वो जाति विरहित विषमता विरहित नए समाज का निर्माण करना चाहते थे बुद्ध धर्म के माध्यम से। तो बाबा साहब के पश्चात इस लक्ष्य पर किसी का ध्यान टिका नहीं, एक बात है। अब फिर अंग्रेजी में कहावत है, एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग आज इस बात को करते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, मतलब हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदारी ना व्यवहार है कहना है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी तब लेता है जब उसको स्पष्टतया आकलन होता है। अगर आकलन ही नहीं हुआ तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। बुद्ध धर्म के बारे में यही हुआ। 5 अगस्त 1956 को बाबा साहब ने अपने दिल्ली स्थान में अन्य साथियों के साथ वार्ता करते हुए 3 बहुत जरूरी बातें कही थी, उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। नंबर 1, उन्होंने कहा था कि पिछड़ा जाति वर्ग जो अनेक जातियों में बटा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, उनकी जातियाँ तोड़कर हमें उनको बुद्ध धर्म में लाना है और उनका एक समाज सुगठित करना है। ये 5 अगस्त 1956 की बात है, और खैरमुड़ी जी का जो चरित्र है उसके 12वें खंड में ये आया है, मैं रेफरेंस भी देना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि इस तरफ क्या हमने आज तक सही ढंग से ध्यान दिया है? नहीं भंते जी। और दूसरी बात, अब दूसरी बात है, मैं सिर्फ पहले कारण अगर पता चले तो उपाय है सोचे जा सकते हैं, गलत कारणों को समझकर अगर उपाय किए तो उपाय भी गलत हो जाते हैं। तो पहला कारण ये है कि बाबा साहब का हेतु जो था उसके बारे में हम उतने सतर्क नहीं रहे, ये मेरा पहला कारण। दूसरी बात है, बाबा साहब ने जिस प्रकार से उसका नियोजन किया था वो हम समझ नहीं पाए। उदाहरण के तौर पर भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार करना असंभव था, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए 3 बातें जरूरी होती हैं। एक तो उनका धर्म स्थल होना जरूरी होता है, दूसरा सक्षम प्रचारक होना जरूरी होता है, और तीसरा है उस प्रचार को आत्मसात करने वाला, लेने वाला वर्ग होना जरूरी है। बाबा साहब के कारण दीक्षा दे लेकर वर्ग तैयार हुआ, चाहता था बौद्ध बनने थे, लेकिन उनको शिक्षा देने के लिए ना तो केंद्र थे ना तो प्रचारक थे। अब इस पर उन्होंने स्वयं सोच विचार करके योजना बनाई थी, और बेंगलोर में वे बुद्धिस्ट रिलीजियस सेमिनरी बनवाना चाहते थे, जिसका जिम्मा वो पूरी तरह से बर्मीज भिक्षु संघ पर सौंप रहे थे। उनसे बातचीत भी हो गई थी, वहाँ मैसूर के महाराजा ने 5 एकड़ जमीन भी दी थी, और वहाँ पर सेमिनरी उनको, बुद्धिस्ट रिलीजियस सेमिनरी, सेमिनरी के माने सरल सरल अर्थ हैं बौद्ध प्रचारकों को प्रशिक्षित करने का महाविद्यालय। सेमिनरी का अर्थ है जो क्रिश्चियन फादर हैं या जो रब्बी हैं उनको प्रशिक्षित करने का महाविद्यालय, उसको सेमिनरी कहते हैं।
वही शब्द बाबा साहब ने बुद्ध धर्मों को लागू किया, सेमिनरी के माने विश्वविद्यालय। अब इस विश्वविद्यालय का निर्माण उनके जाने के पश्चात करने का किसी ने प्रयास नहीं किया, ये दूसरी हमारी गलती हो गई। आप बगैर पढ़े बगैर प्रशिक्षित हुए कोई प्रचार नहीं कर सकता, और बाबा साहब की धारणा ये थी कि हमें भिक्षु कैसे चाहिए, उन्होंने व्याख्या की है, हमें भिक्षु ऐसे चाहिए जो लोक के मित्र हो, मार्गदर्शक हो और तत्वज्ञ हो। तो यहाँ सामान्य भिक्षुओं से काम चलने वाला नहीं है, ये देश बहुत अलग है, इतनी विचारधाराएं हैं, इतने प्रवाह हैं, इतना तत्वज्ञान है, हाँ, और धर्म के नाम पर इतनी विषमता है, इन सब को अगर मोह देना है, उसके साथ मुकाबला करना है, तो भिक्षुओं का समर्थ होना, इस तरह से सक्षत होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा कि भिक्षु कम भी क्यों ना हो लेकिन वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए। अब ये करने का जिम्मा भी किसने नहीं उठाया, क्योंकि एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो नो बडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी हमने 2006 में महाराष्ट्र में पहली बुद्धि सेमिनरी बनवाए, ये आज भी चल रही है। वहाँ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हुए लोगों को हम एडमिशन देते हैं, उनको 3 ठीक से पढ़ाते हैं बुद्धिज्म। सुबह 5 हमारा कॉलेज शुरू होता है, मेडिटेशन बुद्ध धर्म इनकी शिक्षा के साथ साथ वो बीए का भी अध्ययन करते हैं, और नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए की उपाधि भी पाती हैं, क्योंकि ये सेमिनरी नागपुर यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। अब मेरी आशा थी कि हम महाराष्ट्र के ऐसे शहर में काम करने जा रहे हैं जो बाबा साहब ने दीक्षा लेकर बहुत ही पवित्र बनाया है, और लोगों की बहुत सारी श्रद्धा उन पर है। हाँ, आज भी लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस सेमिनरी में मैं अपना अनुभव कह देता हूँ, स्टूडेंट आए 200-400 लोग हमने तैयार किए हैं, लेकिन हमेशा के लिए भिक्षु बनना कोई नहीं चाहता। उत्तीर्ण हुए, उन्होंने एमए किया कुछ लोगों ने, अब हमारे 5 स्टूडेंट पीएचडी भी कर रहे हैं, लेकिन वो तहत भिक्षु नहीं रहना चाहते। जैसे डिग्री हासिल होगी हम वस्त्र उतार कर चले जाएंगे, गृहस्थ बनेंगे, नौकरी धंधा करेंगे। अब दूसरी बात है, डी वली सहा जो महाबुद्धि सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, उनको बाबा साहब ने लिखा था कि मैंने जो भारतीय युवकों का मन जाना है उससे मुझे पता चला है कि यहाँ ज्यादा लोग भिक्षु बनने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए हमको उपासक प्रचारकों का निर्माण करना जरूरी है। और उनने कहा था कि जैसे जापान में विवाहित भिक्षु हैं, उस प्रकार से हम भारत में विवाहित गृहस्थों को प्रचारक बनाए और उनको मानधन दे दें ताकि वो अपनी गृहस्थी चला सकें। ये बहुत ही एम्बिशियस योजना थी जिसके जरिए सक्षम प्रचारक पैदा हो सकते थे, और जो लोग बौद्ध बने थे उनको सही में बौद्ध बनाने में और इस प्रकार का एक नया समाज निर्माण करने में सफल हो सकते थे। ये बाबा साहब की योजना हमने बिल्कुल स्वीकार नहीं की। अगर आज भी हम प्रचारक प्रशिक्षित नहीं करेंगे, मैं दोबारा कहता हूं, आज भी हम सक्षम प्रचारक प्रशिक्षित नहीं करेंगे। सक्षम क्यों? इस भूमि की समस्याएं अन्य देशों से बिल्कुल अलग है, जैसे मैंने कहा तत्वज्ञान अलग है, समाज व्यवस्था अलग है, धर्म के नाम पर इतना सारा उल्टा सीधा हो गया है, इन सब से टकराना है तो प्रचारकों की क्षमता होना बहुत जरूरी है। तो उनको कोई बुद्ध धर्म पढ़कर काम नहीं चलेगा, उनको यहाँ की सोशियोलॉजी का पता होना चाहिए, अन्य धर्मों के ज्ञान का पता होना चाहिए, उनकी सोशल सिस्टम का पता होना चाहिए। इन शॉर्ट बाबा साहब का जो दर्शन है, राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर हम यूं कहें, इस दर्शन से वो भली भांति वाकिफ होना चाहिए, तब कहीं वो लोगों में काम कर सकता है। तो इस प्रकार के प्रचारक निर्माण करने की हम तो अपने दर्जे से कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अल्प है लेकिन कोशिश हो रही है। और जितने हमने उपासक बनाए हैं जो 3-3 रहे, कुछ 5 रहे भिक्षु बनकर, प्रशिक्षण लिया वो उपासक बनकर रह गए, हो सकता है और ये संभव है। हमने तो सोचा है, हमने तो ठान लिया है कि ये कर ही रहेंगे, कि इन्हीं लोगों को हम उपासक प्रचार
बना प्रचारक बनाकर अपॉइंट करेंगे और उनसे काम करवा लेंगे। हम तो बहुत आशावान अपने तौर पर हम कर रहे हैं, नागपुर में कर रहे हैं, लेकिन जितना उसका जितने प्रमाण में उसका फैलाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये कमजोर। ठीक है भतीजी, हम इस चर्चा को और जारी रखेंगे। हमारी इस चर्चा में और सम्मिलित होने के लिए नागमित्र जी हमारे साथ में आए हैं, तो हम नागमित्र जी से भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और आपसे विनती है क्योंकि ये सवाल आपके लिए है और इसका जवाब भी आपको देना है, इसीलिए इस चर्चा में बने रहिएगा। टूटे हुए मनों को जोड़ने वाला यह ज्ञान। जय भीम, फिर से आपका इस धम्म चर्चा में स्वागत है। मुझे लगता है कि अब तक इस धम्म चर्चा में जो सब्जेक्ट आए हैं, जिस प्रकार से विचार आए हैं, पूजनीय भिक्खु संघ के तरफ से जो हमारे लिए काम बताए गए हैं, शायद इस बारे में आपने कुछ सोचा होगा। लेकिन इस धम्म चर्चा में अभी हमारे साथ में धम्मचारी नागमित्र जी भी आए हैं, हम उनसे भी कुछ बात सुनेंगे। लेकिन उसके पहले जैसे भदंत ज्ञान ज्योति जी भंते जी जब भी हम चर्चा कर रहे थे, तब आपने बोला था कि ये जो बाबा साहब की जो संगठनाएं हैं, उन संगठनाओं को हमको सबल बनाना पड़ेगा। तो भाई ये तो बहुत टेढ़ी खीर लग रही है, ये जो है जो घिसपिट गया है, जो कुछ भी विचारधारा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जो नाम के बारे में, इसी नाम से ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम काम के बारे में बोलेंगे। लेकिन जिस प्रकार से अभी इस चर्चा में सारी जो है बंते जी के तरफ से या फिर और लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई यार ये ऐसा नहीं है, उपासक ठीक नहीं है, कोई उपासक बोलते हैं भिक्षु ठीक नहीं है, बाबा साहब का जब जमाना था तब तो उपासक भी ठीक नहीं थे, भिक्षु तो थे ही नहीं, लेकिन तो भी उन्होंने कारवा इतना आगे बढ़ाया। तो तब तो उनके सामने समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने कभी समस्याओं का जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसके हल ढूंढे, इसके समाधान ढूंढे, वो आगे बढ़े और सिर्फ नाम के पीछे नहीं रहे। नाम तो उन्होंने काफी बदला है अपने संगठनों के, खुद के जो नाम वो रखते थे उसी को वो बदला देते थे, जिस ऑब्जेक्ट को रखते थे उस ऑब्जेक्ट को ही बदला देते थे। तो समय के साथ साथ वो काफी आगे बदलते गए। तो फिर ये जो हमारी समस्या है, अभी समस्या नहीं है, आज चर्चा का विषय है। वैसे तो हमारे सामने टास्क पूरे भारत को बौद्धमय बनाने का है, लेकिन ये भारत बौद्धमय बनाते वक्त ये हमें दिखता है कि भाई बौद्ध जो है वो लिखना चालू नहीं किया उन्होंने, उनको शायद रिस्पेक्टफुल आइडेंटिटी नहीं लग रही बौद्ध लिखना। तो हम भारत बौद्धमय बनाना है और फिर अभी इस स्थिति में है, तो हम उस स्थिति में भारत बौद्धमय बनाने की स्थिति में कैसे जाएंगे? यही बात है कि भगवान ने स्वयं अपने भिक्षु संघ को निर्माण करते हुए सद्धर्म का शुद्ध रूप से जिसे प्रचार एवं प्रसार किया, तो वह हमको हमें करना नहीं आया। हम लोग सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को मजबूत रूप से ग्रहण नहीं, आत्मसात नहीं कर सके, इसलिए ये काम नहीं हो सका। ये तो कबूल करनी पड़ी। इसीलिए बाबा साहब जाने के बाद कोई गृही हो या कोई गृह त्यागी व्यक्ति हो, जिसे बहुत बड़े विद्वान हो, धर्म प्रचारक हो, तभी कर सकते भाई कोई सोतापन्न हो या सकदागामी हो या अनागामी हो या रह, तो ऐसा एक भी व्यक्ति कोई उत्पन्न नहीं हुआ, ना गृहियों में भी और ना गृह त्यागियों में भी। तो वही धर्म में परिपक्वता वही नापी जाती है, वह कोई सोतापन्न हुआ, धर्म में प्रतिष्ठित होने वाले कोई सत्व उत्पन्न नहीं हुए, इसका मतलब सीधा है कि धर्म को धारण करने में बहुत बाबा साहब के अनुयायी जो मानने वाले, जो सद्धर्म को मानने वाले, वो तो बहुत धर्म के दूर रहे, जो कि धर्म को धारण करना ही नहीं आया। इसलिए ये पहला सवाल, ये तो प्रथम समस्या है, ताकि हम सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष की स्पष्टता हमें नहीं प्राप्त कर चुके और उसका अमल भी नहीं कर सके। इसलिए ये सुविधाएं सभी लोगों को, सारा भारत, सारा विश्व धम्ममय करने का ये अधूरा सपना बाबा साहब का पूरा करने में बहुत नाकामयाब रहे। ये बात तो होती गृह है, हम किसी पर ऐसे टीकास्त्र नहीं करना चाहते कि गृहियों का दोष है या गृहत्यागियों का दोष है। खामियाँ रही है जो हम नए सिरे से, और भी इन खामियों को, चाहे गृहियों की खामियाँ हो या भिक्षु संघ के भीतर की खामियाँ, उन खामियों को दूर करें। भगवान ने स्वयं जो त्रिविध परिशुद्धशील वाला व्यक्ति, त्रिविध परिशुद्ध ऐसे समाज, जो खनिक समाधि से, उपचार समाधि से ये अर्पणा समाधि के पहुँचने वाले जो गृह हो या गृह त्यागी हो, ऐसे विखंबन प्रहान को प्राप्त करने वाले कोई उत्पन्न होंगे, वो सही मायने में विद्वान है, धर्म के बीच में वो पंडित है,
ये ऐसे क्यों डिग्रियां मिलाकर तुम जैसे विद्वानों, ये समता सैनिक दल हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, मैं तुम जैसे विद्वानों को जिम्मेदार ठहराता इसलिए क्योंकि बाबा साहब के संगठनों को ही आप लोगों ने, अरे ये संगठन ये टुकड़े टुकड़े में आपको लड़ाई करने में क्या, एक साथ तीनों संगठने में, तीनों संगठनों में एक साथ सदस्य रहने में क्या मजबूरी थी आपकी, लेकिन वह काम आप कर नहीं पाए। ये तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार अलग अलग तीनों संगठनों की, समता सैनिक दल की हो, अखिल भारतीय बौद्ध महासभा की हो, या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की, कोई संगठन उस घटना के मुताबिक काम नहीं कर पाया। गृहियों में भगवान ने कहा स्वयं इस, हम दो, दो दोनों माँ के दो बेटे हैं, तीनों माँ के तीन बेटे हैं, लेकिन ये धर्म और विनय एक दूसरे को जोड़ने वाली चीज़ है। दुनिया में दो व्यक्ति एक नहीं है, फिर भी अलग अलग माँ के बेटे जब धर्म और विनय में इकट्ठा आ जाते हैं एकत्र तो जुड़ जाते हैं। टूटे हुए मनों को जोड़ने वाला यह विज्ञान है, यह रसायन है जो बाबा साहब ने अनुसंधान कर सके क्योंकि बोधिसत्व का चित्त है। आप जो कह रहे हैं कि बाबा साहब को क्यों करना है, बोधिसत्व की तुलना हम जैसे लोगों को कैसे कर पाते हैं। इसलिए जो यहाँ तक कि चंद्रमणि गुरु जी भी कह रहे थे कि बाबा साहब बड़े महान आदमी हैं क्योंकि बोधिसत्व का चित्त है, वो ऐसे संकल्प अपनी पारमिताओं के घड़ों को ऐसे भरने की प्रक्रिया में रहते हैं ना, तो उनकी बोधिसत्व की तुलना किसी हम जैसे चाहे भिक्षु या अग्रही हो, नहीं मैं तुलना नहीं करना चाहता, उन्होंने जो मार्ग निकाले यही बात है, मैं मार्ग निकालने की बात कर रहा हूँ, तुलना तो हम नहीं कर सकते। भीमा कोरेगांव की लड़ाई को हमने पहचान नहीं सके, बाबा साहब हर एक जानेवारी को जहाँ कहीं पर भी रहे लेकिन भीमा कोरेगांव में जाया करते थे। बंदे जी मैं बिल्कुल बराबर, आप जो रेफरेंस दे रहे भीमा कोरेगांव का, वो जो लोग खुद की जान देने को तैयार थे खुद की आज़ादी के लिए, खुद के स्वाभिमान के लिए, वो जज्बा मैं देखा हूँ कि आज भी तैयार है, उनको सिर्फ दिशा देने वाले लोग चाहिए, लोग मर मिटने के लिए तैयार है, आप जैसा बोलते वैसे काम करने के लिए तैयार है, कोई उन्हें दिशा निर्देश तो दे। ये तो सही बात है, ये दिशा निर्देश वाली बात तो ये तो सही है, जबकि बाबा साहब ने केवल अकेले एक व्यक्ति, बाबा एक पूज्य आचार्य गोयनका गुरु जी इगतपुरी में सभा लगाते थे, धर्मसभा इगतपुरी लोगों के लिए, भगवान बुद्ध के विषय धम्म चक्र पवर्तन सूत्र पर बहुत सारी धम्म देश लाई, एक युवा आया कागज लेकर के और गुरुजी ये भगवान बुद्ध के विषय में आप खूब बोल लेते लेकिन बाबा साहब के विषय में कुछ नहीं बोलते। अरे गुरुजी के शब्दों में उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, अरे बाबा साहब यह बोधिसत्व ही थे, केवल उन्हीं व्यक्तियों को इस देश की चाबियाँ मिली, थर्ड साउंड पाकिस्तान पर बयान करते हुए केवल देश के तरफ, देश के अलग अलग विद्वान एक तरफ और बाबा साहब एक तरफ, लेकिन बाबा साहब जीत गए, गांधी बाबा हार गए, देश के सारे विद्वान हार गए, बाबा साहब के अकेले व्यक्ति के बदौलत यह देश देश रहा, अगर बाबा साहब नहीं होते तो ये देश कहाँ होता, अकेले व्यक्ति के मुताबिक यह देश देश रहा, तो बाबा साहब के प्रति बड़ी कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया, बोधिसत्व का चित्त है, इसलिए बोधिसत्व का वह आदर्श, इसीलिए बोधिसत्वों को ही इस देश की श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के इतिहास की जानकारी, दूसरे व्यक्ति को कोई जानकारी कर ही नहीं पाए, इसलिए इतिहास के नए निर्माण के लिए कोई व्यक्ति का कोई रोल रहा ही नहीं, रहना ही नहीं है, क्योंकि इतिहास जो जानता ही नहीं है, पहचानता नहीं है, अनुभव करता नहीं है, जो अनुसंधान करता ही नहीं है, इतिहास की जानकारी वैज्ञानिक रूप से हासिल नहीं कर पाता तो इतिहास नहीं, इतिहास का निर्माण कैसे कर पाएगा। बड़ी सीधी सरल बात है, केवल एक ही व्यक्ति है वह, और वह बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने यह देश का इतिहास रचाया, जो नए सिरे से तीन शरणों में और पांच सीलों में और 22 प्रतिज्ञाओं की नई झालर चढ़ाई, जो द्वितीय बुद्ध शासन की आधारशिला को मजबूत किया, बाबा साहब जल्दी गए। बाबा साहब के जो भगवान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष को समझाने के लिए कोई गृही हो या गृह त्यागी हो आगे नहीं आया, इसीलिए समाज आगे बढ़ नहीं सका। ये केवल क्वालिटेटिव स्तर पर बाबा साहब के ये गुणात्मक स्तर पर बाबा साहब के जो अनुयायी धर्म के आचरण पर एक दो व्यक्ति जुड़ेंगे कैसे, यह बोधि ज्ञान की आधारशिला को समझ नहीं पाए। इसलिए हम भिक्षु भी हैं फिर भी हम एक नहीं हैं, जब तक कि बोधि ज्ञान की आधारशिला को धारण करते हुए बोधि ज्ञान के बोधि के अंग को जानेंगे, बोधि के अंग को धारण करेंगे तो ही दो व्यक्ति जुड़ पाएंगे, नहीं तो एक, आप पति पत्नी भी हो एक नहीं है, यही बात है। तो दो व्यक्ति धर्म और विनय के आधार पर यह जुड़ जाते हैं तो सारा विश्व धर्ममय करना, तो यह विश्व को जोड़ने वाली ये चीज यह बोधि ज्ञान है, केवल दूसरी कोई चीज नहीं। एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानंद सुद्धिया, हम इस मार्ग को, इस पथ को, भगवान का मार्ग अतुल्य है, इस मार्ग को समझ नहीं पाए, इस पथ पर गृह हो या गृह त्यागी हो चल नहीं पाए, इसलिए ये आउटपुट मिला नहीं, इसलिए ये संख्या की तुलना में हो या कहीं
जब 60,000 2000 1 लाख जब 1 करोड़ जनता थी तब 60,000, अभी तो 64,000 केवल 1.25 लाख जनता होगी इतनी, लेकिन बहुत डर डर के मारे हैं लोग। यहाँ तक कि हम लोग गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम हैं, जंग छेड़ेंगे हम चाहे गृही हो या गृहत्यागी हो या बाबा साहब की फॉलोअर जो अनुयायी हो, हम गुलामों को यह एहसास गुलामी का एहसास कराने में कामयाब नहीं हुए। हम गृही हो या गृहत्यागी हो दोनों की जिम्मेदारी है, जैसे बंती जी ने बोला। आज हमारे साथ में ब्रह्मचारी नागमित्र जी है, वो गृही है, जिस प्रकार से आप सब लोग गृहत्यागी है तो नागमित्र जी जो है वो गृही है, लेकिन उसके साथ में उन्होंने पूरी जिंदगी धर्म प्रचार के लिए दी है। तो नागमित्र जी, हमारा ये विषय आज की चर्चा का मुख्य विषय ये है कि जब भारत देश की लोकसंख्या 100 करोड़ थी तब जनसंख्या में बौद्धों ने अपनी नोंद कराई थी 80 लाख लोगों ने, और जब अभी 125 करोड़ देश की आबादी हुई है तो तब 84 लाख लोगों ने खुद को बौद्ध कहलवाया जनसंख्या में, जनगणना में, केंद्र में। तो ये जो है ये डिक्लाइन है क्या, ये जो दिख रहा है ये डिक्लाइन है क्या, और ये इसके पीछे क्या कारण? मेरे ख्याल से जो बद्दे जी कह रहे हैं और अभी जो मैंने भिक्षुओं को सुना, सबसे पहले तो ये जो चर्चा आयोजित की है उसके लिए मैंने एक जो मंच आयोजन किया वो उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो डिक्लाइन और फिर जो कुछ भी मतलब प्रोग्रेसिव अप्रोच की बात है, तो मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहा है। अब ये पेपरों पे अलग संख्या है और वास्तविक कुछ अलग है, क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेरे ख्याल से जैसे हम लोग हैं यहाँ बैठे हुए कुछ लोग, उसके अलावा वो लोग बहुत एक्टिव है। आज हम व्हाट्सएप अगर देखते हैं तो एक 16 साल का लड़का, एक 14 साल का लड़का, एक 20 साल का आदमी बाबा साहब की वो सारी खूबियों को उजागर कर रहा है व्हाट्सएप पे। वो बाबा साहब का क्रॉनिकल पूरा इतिहास यानी बच्चों के जुबान पे और हाथ के जैसे उंगलियों पे उनके खेल रहा है। वो कितने उसके साथ में रूबरू हुई है तो नहीं बोल सकते हम, पर कम से कम कॉपी पेस्ट तो करी रहे। तो इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि जो भी इन लोगों ने कर रखा है, मतलब लोगों को जो पढ़ा रखा है, उसका नतीजा तो आ रहा है। बस अब ये जो क्या कहते हैं उसको कि मतलब पेपरों पर उजागर होने वाली बात है, मेरे ख्याल से और भी इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे, लोगों को एक आत्मविश्वास बढ़ता चले जाएगा तो लोग पेपरों में भी अपनी संख्या को उजागर करेंगे। अब थोड़ा बहुत जो भय है वो तो मेरे ख्याल से अपनी शिष्यवृत्ति का है, आरक्षण का है और अपने जीने का, नौकरी का है। इस वजह से थोड़ा ये जो पुराना भय है वो कायम है, क्योंकि बाबा साहब का अगर हम पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, चांगदेव जी खैर मोड़े ने जो कुछ लिखा है उससे तो यही जान पड़ता है कि बाबा साहब एक कांबड़े आदमी की सरकारी नौकरी बचाने के लिए 21 साल तक लड़ाई करते रहे, उसको एक शिक्षक का पद प्राप्त कराने के लिए। तो वो जो भय है उस समय जमाने में भी था, आज भी वो भय कायम है। मेरे ख्याल से हमारा जो तबका है, जो बुद्धिजीवी कहलाता अपने आप को, उनको और भी इस तरीके का प्रशिक्षण चलाने की ज़रूरत है, जिससे कि और भी हम देख सकते हैं कि पेपरों में इसकी उजागरी होगी। मगर जैसे बंदी जी कहते हैं कि लोगों को वो पेपरों के बजाय जीवन जीने की बात आनी चाहिए, तो ये बुद्ध धम्म और भी साबित और जो पुराना इतिहास रहा है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से उजागर कर सकते। बराबर है, ये पेपर्स की बात है या फिर भय की बात है, भय बिना हो ही न प्रीत, ये वाला चक्कर अभी भी चल रहा है। तो ये निर्भय समाज कैसे बनेगा, कब बनेगा, ये भी हमारा सवाल है, लेकिन इसको तो हम पूछेंगे। लेकिन जब ही भंते विमल कीर्ति गुणश्री जी को मैंने एक प्रश्न पूछा था कि उन्होंने एक सिस्टम तैयार की, अब बाकी सारे बहुत सारे लोगों ने कुछ बातें कही है, सब कुछ है, बहुत सारे लोग संगठन के बारे में बोले, लेकिन उन्होंने सिस्टम को एक डेवलप करने की सोची थी भंते जी ने। लेकिन भंते जी ऐसा देखा है कि ये जो सेमिनरी की सिस्टम जो आपने डेवलप की, काफ़ी प्रयास लगा, काफ़ी हिम्मत दिखाई आपने उसमें, लेकिन अभी वर्तमान में ये दिखता है कि ये सेमिनरी का जो सिस्टम है संख्या के आधार पर, जैसे हम संख्या पर जैसे शुरू में जैसे 200 के आसपास कुछ लड़के आपके पास में आए थे, लेकिन वही आंकड़ा अभी वो 0 के आसपास आया है। मतलब वो सेमिनरी का जो है वो सिस्टम जो ये हुआ, पहला जो प्रयोग है आपका, इसका जो डिक्लाइन हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना? जैसे मैंने पहले कहा कि बाबा साहब के जाने के पश्चात सर्वप्रथम इस सेमिनरी का निर्माण 2006 साल में हुआ,
पहली दफ़ा 52 लोगों ने एडमिशन ली थी, 26 महिलाएं थी और 26 पुरुष थे, 50-50। और सेमिनार में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो थोड़ा सा कड़ाई का होता है, यानी 4 बजे उठना है उठना है, 5 बजे मेडिटेशन करना है करना है, और वो 7 बजे तक 7:30 बजे भी चलेगा, फिर सूत्रपाठ करना है, फिर बाद में सूत्रों का अध्ययन करना है, केवल पाठांतर नहीं चलता, सूत्रों का अध्ययन करना है, और ये होने के बाद फिर अपनी कॉलेज की पढ़ाई करनी है। पाली कंपलसरी है, डॉक्टर अम्बेडकर थॉट कंपलसरी है, ये 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है, और साथ में फिर दूसरे कोई सब्जेक्ट लेकर ये स्टूडेंट नागपुर यूनिवर्सिटी की उपाधि पाते हैं। हमने आज तक जो अनुभव किया, आए लगातार लोग आते रहे, जितनी संख्या में आए उतनी संख्या में चले भी गए। बाबा साहब का जो कथन था, जो उन्होंने वली सिंह को लिखा था कि मेरे अंदाज से भारत के युवकों का जो मैं मन जानता हूँ वे भिक्षु बनना नहीं चाहेंगे, और इसका मुझे खुद अनुभव हुआ है, अनुभव किया है कि जितने भी हमने प्रशिक्षित किए कोई ही हमेशा के लिए भिक्षु बने रहना नहीं चाहता। ये बहुत अच्छी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्धि विलास के रास्ते से जो इंटरनल माइंड को, अंतर मन को गहराई से वो नैष्कर्म में जब तक कि किसी व्यक्ति का पूरा नहीं होता वो कैसे गृह त्यागी बनेगा? तो पहले नैकम में पारमिताओं का घड़ा भर पाएगा वही गृह त्यागी बनेगा, किसी को जबरदस्ती बनाने से उसके लिए सिस्टम क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? भगवान या है आप जी, ये भिक्षु लोग ऊपर से थोड़े टपकने वाले हैं? नहीं जी, आप में से ही आने वाले जी, ये जो भिक्षु आए तो आप में से ही आए, गृहियों में से ही आए, तो गृही जब तक पकेगा नहीं, जब तक तबेगा नहीं, बोधि ज्ञान की धारा को धारण करने में सक्षम नहीं बनेगा, वो कैसे परिपक्व होगा? जैसे प्राचीनतम जमाने में एक भगवान के जैसे बड़ा यह कल्प वृक्ष ले करके कोई अपने अपने बच्चों को, पहला जो लड़का हुआ तो संघ को दान देने की प्रथा थी, अब वो तो बंद हो गई, विस्मरण हो गया सारी चीज़ों का, पहला जो लड़का हुआ संघ में दान देने की, कौन देता है? अब किसी की चित्त में पैदा होता है, ये होती ही नहीं बात, क्योंकि ये जो जड़े हैं ना, जड़ों को हमने देखा नहीं, हम केवल उसको डिग्री, अभी जैसे गुणश्री जी का अनुभव है, अभी इतने सारे लोग आए लेकिन वो अभी चले गए। आप यकीन मानिए इतिहास की धाराओं में जो आएंगे डिग्री हासिल करेंगे लेकिन ये नैखम में नहीं जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ लेट मी स्पीक, ये केवल डिग्री की बात नहीं रही है, हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल से आदमी ही पकेगा नहीं तो कहाँ से पकेगा? केवल बुद्धिविलास की बात नहीं है, ये गलत फहमी फैल गई है कि बुद्धिविलास की बात है, बुद्धिविलास की बात नहीं, वहाँ प्रैक्टिकल है। और धम्म का एक अंक कैसे तरीके से कोई विपश्यना का जिसने अनुभव किया हो तो आउटपुट नहीं आया। नहीं भंते जी, मैं दोनों की बातों को समराइज करता हूँ। बात कैसी है आपकी और आपकी दोनों की बात है, दोनों ने हाँ बिल्कुल दोनों ने एक बात बहुत अच्छी तरीके से कही है, जिसको हम शायद देखने वाले जो है सुनने वाले लोग जो है ना वो अन्यथा लेंगे कि भाई दो भिक्षु आपस में कुछ बातें कर रहे, ऐसा नहीं है। दोनों भिक्षुओं का कहना यह है कि भाई ये जो जिम्मेदारी है ये गृहस्थी आदमी की है, जो अपना पहला बच्चा जो है वो संघ के लिए दान दे, नहीं पहला तो दूसरा तीसरा चौथा जो भी है समझो वो तो दे भाई, लेकिन हम वो नहीं देंगे और फिर भाई देखो भाई ये भंते जी सही है ये भंते जी गलत है इसका हम मजा लेंगे, ये इससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी और मेरी है और गृहस्थी आदमी जो है इस बात का जवाब देने वाला है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ भंते जी का, मैं प्रवचन देते रहता हूँ, प्रवचन देने गया एक जगह और मेरे प्रवचन से प्रभावित एक महिला मेरे पास में आई और बोले कि ये आप प्रवचन बड़ा अच्छा दिए, घर चलिए खाना खाइए और मुझे भी मदद चाहिए आपसे। तो बुजुर्ग महिला थी, मैं भी उनके साथ में हो लिया उनके घर, और वो जब खाना खिला रही थी तो मुझे एक विनती करी हाथ जोड़ के कि मेरे दो नाती है उनको कृपा करके मदद करो और उनका अच्छा आदमी बनाओ। तो मैंने बोला ये तो बायत का खेल है, बिल्कुल कर लेंगे, बताइए उनको कहाँ है वो। तो बोले दोनों बाहर गए अभी तो उनको थोड़ी देर लगेगा, आप बैठो तब तक आते हैं। तो मैंने बोला उनको जल्दी से जल्दी बुलाओ, मैं भी थोड़ा जाना चाहता हूँ। तो वो मैंने पूछने लगा कि क्या करते हो, तो एक लड़का बहुत बदमाश है बोले और दूसरा स्कूल में कॉलेज में नहीं जाता है और ऐसे ही इधर उधर आवारा गर्दी करते घूमता है। तो मैंने बोला ठीक है ना, हम दोनों बच्चों को भिक्षु बना देते हैं, हमारे मित्र है भिक्षु तो उनसे मिलाते भिक्षु बना देते हैं।
तो वो झट से खड़ी होगी, भिक्षु मत बनाना, सब चलेगा, गुंडा रहा तो चलेगा भाई। मैं बोला कमाल है, पंडित जी ने कहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल जो अभी सिचुएशन ये है कि उनका नजरिया ही लोगों को बदलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बराबर ये बात बोली है, ये नाथ मित्र जी ने बराबर बात बोली है। मैं आपके लिए सबके लिए बोल रहा हूँ कि भाई आप तो इस चर्चा का मजा ले रहे हैं, लेकिन मजा लेने से काम नहीं बनने वाला। यदि आप इस सत्य के प्रति गंभीर है, आप एक धर्म के प्रति, धम्म के प्रति गंभीर है, तो आपको इस बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो यहाँ पे नेता लोग, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग इकट्ठा हुए, लोगों का नजरिया बदलना पड़ेगा भाई। बोलने से थोड़ी होगा, वो लोग जो है वो अपना बच्चा नहीं दे रहे, नहीं दे रहे ना, ये वास्तविकता है, क्योंकि लोगों का नजरिया नहीं है। तो लोगों का नजरिया कौन बदलेगा, बंदे जी कौन बदलेगा? इसका भी बहुत सही जवाब स्वयं बाबा साहब ने दिया। आज का जमाना और पहले जमाना, इसमें काफी अंतर है। हम धर्म में पकने की बात तो कहेगी, लेकिन पकने के लिए भी कंडीशनिंग होना पड़ता, एक वातावरण होना जरूरी होता है। ये तो पकेगा कैसे? तो इस वातावरण का निर्माण कैसे हो, इसके बारे में बाबा साहब ने स्वयं बहुत अच्छी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आज का काल ऐसा है जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक काल है, साइंटिफिक एज है। ऐसे एज में पारंपरिक पद्धति से धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उनको वो साइंटिफिक पद्धति से देनी चाहिए कि उसके पीछे कौन सा विज्ञान है। मैं जहाँ जहाँ प्रवचन करता हूँ, यकीन मानिए वो सुनने के बाद लोग प्रभावित तो होते ही हैं, और ये कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, ये कितना परिणाम होता है, मतलब नजरिया बदल सकता है। तुरंत बदल सकता है। अब थोड़ी सी प्रयास करने की गरज है। लेकिन साइंटिफिक प्रयास, आपने अगर पारंपरिक बात ये कहें तो कितने सारे शब्द हैं पाली के जिसका आज अर्थ करना मुश्किल है। अभी हमें तो ये तो पता नहीं चलता कि हम क्या क्या है, हमें पता नहीं। लेकिन हमें ये भी पता नहीं रहता कि हम किस लिए जा रहे हैं। अब जैसे हम गए तो दूर से ही, अभी उसने अपने माँ बाप ने दोनों ने निर्णय लिया कि ये बच्चा है हमारा, बंदे जी को दान देंगे संगति। अब ये जो जब जो पेट में पल रहा है, ऐसे भी सम्यक संकल्प करने वाले माता पिता अभी भी है, जो अभी भी छोटपन में बच्चे मिल रहे हैं हमको। हमें 10 साल में ही देखिए, आप जिंदा रहोगे 10 साल में देखिए कितने सारे ढेर सारे भिक्षु हमारे पास आएंगे। क्या बहुत सारे आएंगे, बहुत आशावादी हम लोग। द्वितीय शासन, बुद्ध शासन खूब फूलेगा, बिल्कुल खूब फलेगा। यहाँ तक कि अभी लाखों की तादाद में भिक्षु बनेंगे लोग, ऐसे नए नए जो अनेक लोग जो अलग अलग ऐसे सत्वों में जो ध्यान करने वाले लोग हैं उनके घरों में ऐसे ऐसे सत्व जन्म लिए, ताकि अनेक घरों में बड़े टैलेंट है। ये नई जनरेशन जो अभी आई है, आ रही है, बड़ी टैलेंट है। जैसे व्हाट्सएप के इतने बच्चे कैसे खेलते हैं, अरे 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा व्हाट्सएप पर खेलने लगा। तो ये टैलेंट इतनी है कि वो प्रज्ञा के भीतर, अभी आनापन, कोई छोटा लड़का बोलता है बंते जी मुझे आनापन का अभ्यास सिखाइए, तो ये आनापान के स्तर पर कोई ऐसे ही बच्चे बचपन में ही जाए कि माँ के गोद में पल रहे हो, भीतर घर में पल रहे हो, वो बच्चे सामने आएंगे, आगे चल करके बहुत बड़ी मात्रा में भिक्षु बनेंगे। क्या बात है, ये तो बड़ा आशावाद, बिल्कुल आशावाद के बहुत साथ बड़े प्रज्ञा की बात कही है। प्रज्ञावान पीढ़ी, अभी ये जनरेशन जो है, प्रज्ञा का युग है। ये प्रज्ञा के युग में, मित्र जी, ये प्रज्ञा के युग में लोगों को इस धम्म की धारा में सम्मिलित होने के लिए क्या उपाय किए जा सकते? मेरे ख्याल से जैसे गुरुश्री जी कह रहे हैं, साइंटिफिक अप्रोच बहुत जरूरी है, पर साइंटिफिक अप्रोच जरूरी है। देखिए जी, सदन की सारी बातों को समझाने के लिए हम लोग कमजोर रहे, इस बातों को जाने। साइंटिफिक किसको कहेंगे, पटिच्च समुत्पाद की कड़ियों को समझा नहीं सके, मुझे बताइए। एक तो भी ऐसे, ये पठान की जो 2400 आ रहे, एक संसद में बाबा साहब ने उस तिरंगे पर लहराया चक्र, तो सारे भाव चक्र को कैसे तोड़ पाएंगे? हिरत बच्चे, आरम्भर बच्चे इत्यादि इत्यादि, ये 2400 एक चित्त उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति से लेकर व्यय होने तक के सारे 2400 कारणों द्वारा स्वाख्यात करनी चाहिए। धर्म की यही साधारा, धर्म को स्वाख्यात सुस्पष्ट करने की यही सारी कोशिश नहीं हुई, अभी भी नहीं। क्या आप भी कभी ढूंढते हैं किसी व्यक्ति को? मैं तो नहीं जानता उसको स्पष्ट करने की किसी में ताकत है। साइंटिफिक इसीलिए बाबा भगवान की ये विपश्यना देर, विपश्यना का ये सारा कम्मठान जो सार्वजनिक कम्मठान, अरे ये हमारा नहीं है,
ये भगवान बुद्ध का नहीं है, कोई व्यक्ति कोई मायका लाल नहीं है जो विपश्यना का अनुसंधान कर सकता है, केवल सम्यक संबुद्ध ही इसका अनुसंधान करता है, जो अपने भव चक्र को, इस दुख चक्र को, लोक चक्र को तोड़ने के लिए वही रास्ता बताते हैं जो सम्यक संबुद्ध हुआ करते। बिल्कुल भंते जी, देखिए स्वयं बाबा साहब की धारणा रही है कि आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से धर्म को सिखाना चाहिए। भंते जी कहते वो गलत रास्ते पर गए हैं, तो क्या बाबा साहब गलत रास्ते पर गए थे? ऐसा नहीं मान सकते। अब जो भंते जी कहते हैं कि पतित्य समोतो, ये तो साइंटिफिक ही हैं, इसमें विज्ञान छपा हुआ है, ये मन का विज्ञान है जो बुद्ध भगवान ने प्रकट किया है। तो वैज्ञानिक तरीके से भी हम इस पर प्रवचन देते हैं, मेडिटेशन लेते हैं इस विषय पर, लोग उसमें बहुत प्रभावित होते हैं, और ये जो 24 कड़ियाँ हैं वो आसानी से समझ जाते हैं कि हाँ इस तरह से हमारे मन में परिवर्तन हो जाता है, इस तरह से हम नए आदमी बन जाते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं, ये विपस्सना है। ऐसा नहीं कि केवल गुरुजी के यहाँ जाए और विपस्सना करे फिर विपस्सना हो गई। 40 कम्मठान सभी विपस्सना की तरफ ले जाते हैं, और हमने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में थाईलैंड के महाचुलालों को राज विद्यालय बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जहाँ मेरी दीक्षा हुई है, वहाँ के सर्वोच्च जो चेयरमैन थे, वहाँ के जो मेडिटेशन के मास्टर थे, उनसे हमने सीखा है। ऐसा नहीं कि विपस्सना जानते नहीं, हम तो जानते ही है, लेकिन विज्ञान महत्वपूर्ण है। सारे लोग भिक्षु है, टीका हम कैसे करेंगे, लेकिन स्वयं अभ्यास करना ही भूल गए। वेदना पच्चिया पहिया, वेदना पच्चिया पहिया। अब उन्हें जब कोई अभी मन को संयम करने के लिए, संयमित करने, एकाग्र करने के लिए, वितर्क विचार प्रति सुख और एकाग्रता, ये पांचों ध्यानांगों को इकट्ठा एकत्र करने के लिए बड़े आनापान पर कोई कर्मठान पर अभ्यास करता है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इस तरीके की ये जो गिनती होती है, तो शब्द आलंबन प्रधान होता है, सांस नियम हो जाता है। तो इसलिए ये वितर्क विचार प्रति सुख और एकाग्रता, ये पाँचों ध्यानांग इकट्ठा नहीं आ सकते। तो क्या कैसे अपने मन को ये खड़ित समाधि, उपचार समाधि और जो 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 अर्पणा समाधि कैसे पहुंच पाएंगे सारे। मैंने यहाँ तक कि एक दिन मैंने बहुत पातिमोक्ष का दिन था, थाईलैंड की यूनिवर्सिटी की बात, पातिमोक्ष का चल रहा था, अभी वो सभी भिक्षु इकट्ठा हो रहे थे, हमने कहा मैं हम भी भारत से आए हुए, हम भी ज़रा देखेंगे पारंपरिक देश है तो पातिमोक्ष कैसे चलता है। एक व्यक्ति नहीं आया, जब मैं अकेला उस उपस्थितागार में मैं अकेला बैठ करके रहा, एक व्यक्ति नहीं आया। क्यों? मैंने कहा क्या हुआ, हुआ क्या? क्योंकि अब थाईलैंड में भी देखिए ये क्या धर्म और विनय की जो बात है, धर्म और विनय की जो बात, विनय में बड़ा परिपक्व है। नहीं बंदे जी, धर्म धारण करने की प्रक्रिया, इस विषय की चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि जड़े हैं ना, जड़े हैं, जड़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये जड़ों तक बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि इसके लिए हम चर्चा अलग से रखेंगे, लेकिन अभी हमारा एक विषय था, मेरा सब्जेक्ट समझ लीजिए। अपने आज की चर्चा का विषय ऐसा है कि भाई ये जो 80 लाख लोग ही या 84 लाख लोग ही अभी धर्म दीक्षा, जिन्होंने बुद्ध धर्म सर्टिफिकेट पे लिखा है, और ये क्या हो रहा है कि जैसे भारत में तकरीबन 2 करोड़ के आसपास पूर्वाश्रम की बाहर जातियां होंगी, समझो एक मोटे तौर पे, तो उसमें से 84 लाख लोगों ने अपने हिम्मत वाले जो लोग हैं, थोड़ा हिम्मत वाले लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं, ये धर्म के शुद्ध प्रचार और प्रसार के लिए आगे आए, लेकिन ये आएंगे, ये 84 भी है। लेकिन मेरा सवाल अभी दूसरा है कि अभी तकरीबन 13 करोड़ लोग जो है भारत देश, 13 करोड़ लोग आज अड़ोसवीं जाति की सारी जातियां, MBC की सारी जातियां, OBC की कुछ जातियां, और जो बाकी जो बाकी भी दूसरी जातियां जो है अनुसूचित जनजातियां, इन सारे जो लोग हैं ये बुद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं, उनके मन में चाहत है, कई तो भी चाहत है, लेकिन इस चाहत को अमली जामा पहनाने के लिए, क्योंकि हम यदि इसी में उलझे रहेंगे, अपनों में उलझे रहेंगे, हमारा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, तो ये जो आज पूरे पूर्ण भारत देश में ये 13 करोड़ लोग बिल्कुल बुद्ध धर्म की आस लिए हुए बैठे हैं, बाबा साहब के बात पे चलने के लिए तैयार है, वो जी जान देने के लिए तैयार है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास में क्या उपाय योजना हो सकती है उनको अपने पास में लाने के लिए? नाग मित्र जी आपसे बात करें। सर देखिए, जैसे कि मतलब अप्रोच बहुत अलग अलग हो सकते हैं, ओपन भी होना चाहिए, बिल्कुल, और हर अप्रोच का हमने स्वागत करेंगे, यही सही है, ये गलत है, बुद्ध का धर्म ही अनित्य सिखाता है, परिवर्तनवादी है, तो हमने थोड़ा मॉडिफाइड अप्रोच रखना ही चाहिए जी, हमने वही मतलब उसी अप्रोच सही होगा तो कहीं ना कहीं हमारा रास्ता भटक जाएंगे। ये सही बात है कि मतलब आज हम लोग बहुत सब बिखरे होने से हमको ऐसा लगता है कि हम इकट्ठा नहीं है, पर बुद्ध धम्मा और बाबा साहब की जो दीक्षा है वो हमको इकट्ठा करती है, और इसके लिए प्रशिक्षण बहुत मायना है, तो प्रशिक्षण बुद्ध ने जिस तरीके से किया था वो प्रशिक्षण कहीं ना कहीं याद करना बहुत ज़रूरी है।
बुद्ध ने पहला प्रशिक्षण शुरुआत किया सारनाथ, ये ठीक है, जो करना चाहिए ये बराबर है, ये चाहिए बोलने से फिर ये जैसे बंदे जी ने बोला नथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो किसी का नहीं हो गया। ये एक त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ जो पहले बोला जाता था, अभी जिसको त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहा जाता है, तो ये इसमें तो आपकी क्या इस बारे में योजना? वही कह रहा था सर, वही कह रहा था मैं कि जैसे मतलब हमने तो वही परंपरा जो शुरुआत हुई उसी को आगे बढ़ाया, उससे ही परिवर्तन हमने अपनी आंखों से देखा है। जैसे कि बुद्ध ने 5 परिवराजों को अपने साथ में ले लिया, हमारे जो ज्येष्ठ धर्मचारीगण थे उन्होंने ऐसे ही जगह जगह जाके शिविर लिए, और शिविरों में जितने लोग आ पाए, जिनके जितने परिवार आ पाए, वो परिवार बदल गए, वो परिवार बदलने की एक प्रक्रिया शुरुआत हुई। कोई ईश्वरापन्न नहीं हुआ, नहीं ना हो ना हो, ये तो होगा ना भाई, ये तो भाई पहली क्लास में तो आए बंदे जी, वो पहली कक्षा में नहीं आया भाई, तो उसको एकदम पीएचडी का करवाते हो मेरे ख्याल से। जो 5 परिवार अभी हमारा सब्जेक्ट पहली कक्षा में आने का, तो हाँ तो नहीं तो क्योंकि इस चर्चा में जो है हमारे यहाँ पे कुछ जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन मैं ये इस सवाल को जो मैंने सवाल पूछा कि अभी हमको 13 करोड़ लोग जो है जो हमारे पास में अभी बौद्ध धर्म को लेना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास में क्या योजना, जैसे नागमित्र जी ने बताया वही उसी प्रकार से भदंत सदानंद जी जो अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु संघ के संगठनायक हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि उनके पास इसका क्या प्लानिंग है। उनके लिए ये कहीं रास्ता है जो हमारे समाज का स्वयं अपने आप को बौद्ध कहने वाले समाज का जो अहंकार है, सर्वप्रथम वो अहंकार दूर होना आवश्यक है। अहंकार उन्होंने निकालना चाहिए, उन्होंने ऐसा माने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि न दूसरे हमारे में आए और न हम दूसरे में जाए। ये जो विचारधारा अपनी बनाई है उसको दूर करना अत्यंत आवश्यक है। हम जब भिक्षु बने, नहीं अभी उस बात को अभी छोड़ देंगे, क्योंकि भंते जी ने जो बात बोली है अहंकार की वो बड़ी बात है, क्योंकि भाई रोटी बेटी व्यवहार, यदि कोई आदमी भिक्षु बनता है, जैसे कुछ लोग मातंग लोग भिक्षु बने बौद्ध धर्मीय बने, तो कितने लोग तैयार हुए उनके साथ में रोटी व्यवहार तो होता है बेटी व्यवहार करने के लिए, क्या वो समस्या आज भी जीवित नहीं है? तो फिर यहाँ पे चमार आएगा भाई, यहाँ पे आदिवासी आएगा, यहाँ पे दूसरे लोग आएंगे, तो क्या लोग आप तैयार हो उनके साथ में बेटी व्यवहार करने के लिए? ये प्रश्न भत्ते जी ने आपके लिए पूछा है, और यही प्रश्न का जवाब मैं भत्ते आपसे भी चाहूँगा। देखिए मैंने पहले बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का स्वीकार, ये 13 करोड़ लोगों को कैसे लाया? वही उसे बस बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का स्वीकार करते हुए ये ऐलान किया था कि हमें पूरे भारतवर्ष को बौद्ध में बनाना है, और उनकी प्रायोरिटीज थे बुद्ध और उनके धर्म, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि धर्म मूलतः सामाजिक है, तत्वतः सामाजिक है, और इस देश की सबसे पहली जरूरत है अगर अन्याय अत्याचार से निपटना है, न्याय को प्रस्तावित करना है, तो न्याय पर आधारित सामाजिक मान्यताओं पर टिका हुआ या समाज होना चाहिए, और ये मान्यता बुद्ध धर्म से आती है। तो पहले आदमी को मनवा लो कि भाई इसको स्वीकार करो, आध्यात्मिक प्रगति बात की बात है, इसलिए बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अन्य देशों में विपस्सना आदि साधना पर जोर दिया जाता है, वो भारत में देने से हमारा काम बिगड़ जाएगा, पहला जोर सामाजिक परिवर्तन पर देना है और उसके साथ साथ आध्यात्मिक परिवर्तन देना है। पहले किसको आगे करना है, सामाजिक परिवर्तन या आध्यात्मिक परिवर्तन को? तो बाबा साहब ने कहा सामाजिक परिवर्तन को पहले आगे करना है, ये सख्त जरूरत है कि सभी लोग माने मुझे न्याय से व्यवहार करना है, सभी लोग माने मुझे पंचशील का पालन करना है, सभी लोग माने अन्याय अत्याचार नहीं होने से। तो बुद्ध धर्म का इस तरह से प्रचार उनको पहले अभिप्रेत था, और फिर उसकी अंदर से शुद्धि हो इसलिए उसे ध्यान करना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए, तो आचरण का पहले उसका आचरण के लिए तैयार करना चाहिए, तो इस मान्यता से तैयार हो सकता है। और इसी न्याय की भावना को लेकर हमने बौद्ध समाज को उनको धम्म दीक्षा देकर दीक्षित बनाए, भाई जानो समझो जानबूझकर बौद्ध बनो। उनके जो पुराने लक्षण हैं जो आदमी को आदमी से तोड़ते हैं, जैसे आपका जाति नाम जो है जाति को प्रकट करता है, परिवर्तित करो,
अब जाति से कोई आपका संबंध नहीं होगा। तीसरी बात, बुद्ध ने संघ का आदर्श दिया, उपासक होने के बावजूद भी कम से कम संगठित रहने की कोशिश करो, जिसके बारे में भंती जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि आपने अहंकार को जरा देखो, उसको कम करो, एक दूसरे से सहयोग करने से, एक दूसरे से न्याय करने से, पंचशील का पालन करने से बहुत कुछ हो जाता है। और महाअभिसंध सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि पंचशील का पालन ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है, तो दानी बनो। तो ये जो बुनियादी शिक्षा है, आध्यात्मिक प्रगति उसकी होगी, लेकिन पहले नींव ही तैयार नहीं होगी तो आध्यात्म कहां से आएगा। तो इस नींव को पहला बनाना बाबा साहब चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोशल एस्पेक्ट पर जोर दिया, और इसका हमने प्रचार किया तो परिवर्तन जरूर होने वाला है, वो हमारा अनुभव है, लोग परिवर्तित होंगे। बिल्कुल। अभी अंत में भंते जी, क्योंकि भंते जी आप जो है यहाँ से बुद्धगया तक पदयात्रा भी किए, बम्बई में भी घूमे, यहाँ से नागपुर से मुंबई तक भी आप गए, तो ये जो सारे लोगों को, ये तकरीबन 13 करोड़ लोग जो है, ये सारे लोग बुद्ध धर्म में आ जाए क्योंकि वो तैयार है, तो इसके बारे में आपका क्या है? ये तो ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं, ये अगले चुनाव में, अगले जो जनगणना होगी, तो बहुत सारे ये सारी खामियां दूर हो जाएगी, ये उतनी कठिन बात नहीं। लेकिन धर्म को धारण करना बहुत कठिन बात है। जब भी हम भीमा कोरेगांव से लेकर पंढरपुर तक गए, ये पंढरपुर और दूसरा कुछ नहीं, ये भगवान बुद्ध का विहार है, जितने सारे पुराने मंदिर हैं वो सभी बुद्ध विहार थे, बाबा साहब का ही कहना, मैं सिद्ध करता हूँ। वहाँ जो पाली भाषा में लिखी गई जो अक्षर, लिखे गए जो अक्षर धम्म लिपि में, वो बुझा कर यहाँ जो धम्म चक्र है वहाँ पंढरपुर के मंदिर में, वो भी चांदी का मुलामा दे करके ऐसे ढांका दिया है, और चारों दिशा में वो धम्म चक्र है मंदिर पर, विहार पर। अब सीधी सरल बात है, ये विट्ठल दूसरा तीसरा और को हुआ विट्ठल, जो तलेगांव दाभाले का जो मकान है उनके घर, जैसे जो देहू रोड के जो मूर्ति की प्रतिष्ठापना और विहार के उद्घाटन के लिए जब गए थे बाबा साहब, उन्होंने हुआ विट्ठल, विट्ठल कौन थे, और ये विट्ठल दूसरा, ये विट्ठल पर शब्द ही पा लिए, ठितो हुआ ठितो मीति बजाना, तो ये ऐसे विखम्बक प्रहान में स्थित रहने वाला युगे संत तुकाराम की भाषा में। अब जैसे भीमा कोरेगांव से लेकर हम पंढरपुर गए, हमें क्या पता इतने लोग रहने वाले, आगे चल करके लोगों ने निर्णय लिया, अलग अलग ओबीसी जाति के, कहीं मुसलमान जाति के अलग अलग लोग शामिल हुए उसमें पदयात्रा, ताकि यह क्या हम हमलावर करने के लिए जा रहे हैं, अरे हमने कहा है जड़े है पंढरपुर का, ये जड़ इतनी सारी भारी तादाद में ओबीसी समाज, जो एक समय का नाग लोग, ये नागवंशी लोग थे, और ये नाग लोग प्राचीनतम में सारे बुद्धिस्ट थे, अब ये तो जानकारी नहीं, गुलाम को एहसास कराने के, बस कराने के लिए हम जा रहे हैं कि ताकि उनको आराम एहसास हो। बिल्कुल। अलग जाते रस्ते में ऐसे अलग जातियों के लोग मिले, भंते जी अगले साल आएंगे ना, मैं अकेला सारी व्यवस्था करूँगा, तो ओबीसी के ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आने वाले 4-5 सालों में देखिए कुछ रास्ते पर जो धर्मांतरण कन्वर्शन होगा वो पंढरपुर में होगा, अलग अलग लोगों में, जो ओबीसी लोगों में अलग अलग जातियों के लोग वहाँ उनका धर्मांतर पंढरपुर में करेंगे, अभी वो तैयारियाँ चल रही हैं। बिल्कुल भंते जी, बहुत हमारी ये चर्चा जो है हम आशावाद के साथ में यहाँ समाप्त करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात भंते जी ने बोली कि ओबीसी जो तेली कुनबी माड़ी लोहार सुनार सुतार और अन्य सारी जातियाँ जो है, ये जिनको ओबीसी कहा जाता है, जिनको 3000 साल तक शूद्र कहा गया था और पीछे रखा गया था इस व्यवस्था ने, वो सारे लोग बाबा साहब ने जो ग्रंथ लिखा है शूद्र पूर्वी कौन होते हुवेर शूद्रार, ये सारे लोग नागवंशी है और ये सारे लोग बुद्धिस्ट, मतलब ये कल के बुद्धिस्ट और हम आज के बुद्धिस्ट, ये दोनों बुद्धिस्ट, इस देश के मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, बाहर देश के नहीं आए यहाँ पर, ये तो सारे पहले नागवंशी थे, यहाँ के एक खून के एक रिश्तेदार, यहाँ के मूल निवासी, और मूल निवासी की चर्चा अभी आवाज इंडिया के मंच पे होने वाली है, सारे लोग तकरीबन आए हैं, हम इस चर्चा को यहीं पे रोक देते हैं। लेकिन हमारी चर्चा में कुछ लोग जो है, कुछ जवान लोग, जैसे प्रहलाद छंडे जी ने एक प्रश्न पूछा था कि भाई ये जो है हम इसका सेंसस में ये कैसे करेंगे, उनका एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न यशपाल श्यामकुंवर जी का था, और वो था कि भाई यहाँ से जो दीक्षा भूमि जो थी, जहाँ पे भदंत, डॉक्टर भदंत आनंद कौशलेन जी की एक अच्छी वहाँ पे भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र था, वो उसको हटाया गया, तो इसके लिए नेता जिम्मेदार है, ये तकरीबन जिम्मेदारी कौन है, इसके बारे में एहसास दिया उन्होंने। और लेकिन जैसे नागमित्र जी ने मुझे अभी एक बोला था कि भाई इस चर्चा सत्र में जवान लोग होने चाहिए, तकरीबन युवा लोग ही है, लेकिन एक युवा चैताली रावड़े, इसने ये पूछा है कि भाई यूथ जनरेशन में धम्म के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए क्या होना चाहिए। प्रश्न तो और भी है, मुझे लगता है कि और एक अंकिता भी इधर, लोखंडे जी आई है इधर, हाँ शायद और भी दूसरे प्रश्न है,
लेकिन प्रश्न तो अनेक है मित्रों, लेकिन इस प्रश्न का हल भी हमें ढूंढना है, ये दूसरा कोई नहीं ढूंढेगा। हम यदि इसका इंतजार करते रहे कि भाई कोई तो भी आएगा और इस प्रश्न का उत्तर हमें देगा, तो फिर शायद हमें निराशा मिलेगी। ये बाबा साहब के यदि हम अनुयायी हैं और ये बाबा साहब का कारवां यदि इतना आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो चलो उठो साथियों, आपकी भी जिम्मेदारी है। ये प्रश्न प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न को हथियार बना के आपके पास में जो हल, आपके पास में जो जवाब आया है और आपका धम्म के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ में हम चर्चा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भीम। वंदे मातरम जी। सुखी।